हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो जो सीरीज हमने चलाई हुई थी वो थी हमारी टाइम एंड वर्क। तो उसी सीरीज के अकॉर्डिंग आज हम अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं, जो कि टाइम एंड वर्क को स्पेसिफाई करती है। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क को जो चीजें स्पेसिफाई करेगी उसी से रिलेटेड हम लोग आगे क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो ये हमारी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस की पहली क्लास होने वाली है। तो इसी के कुछ एक बेसिक क्वेश्चंस जो आज हम लोग करने वाले हैं, उसी में पहला क्वेश्चन जो आपके पास है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, बी इन 20 डेज, इफ दे टुगेदर वर्क ऑन इट फॉर 4 डेज, देन द फ्रैक्शन ऑफ वर्क दैट इज लेफ्ट इज। ए एक काम को 15 दिनों में तथा बी 20 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो अब काम कितना हिस्सा बचा हुआ है, यानी यहां पे जो चीजें आपको फाइंड आउट करनी है वो हमें फाइंड आउट करनी है भी रिमेनिंग वर्क कितना है। क्या कहता है, रिमेनिंग वर्क यानी के बचा हुआ काम कितना है, तो ये फाइंड आउट हमें करना है। तो जो हमने बेसिक सीखा है, भी सबसे पहली चीज जो हमें चाहिए होती है वो हमें चाहिए होता है एलसीएम। और इस एलसीएम से हमें क्या मिलता है, इस एलसीएम से हमें मिलता है वर्क, वर्क यानी के काम। ठीक है, सेकेंड जो चीज हमें चाहिए वो हमें चाहिए एफिशिएंसी। क्या चाहिए भाई, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को हिंदी में बोला जाता है क्षमता। जब तक हमारे पास क्षमता नहीं होगी, यानी भी किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे जरूरी चीज जो रिक्वायर्ड रहती है वो रहती है एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी को कैसे निकाला जाता है, देखो वर्क जो है, वर्क इज इक्वल्स टू काम, वर्क जो होता है वो होता है काम। काम जो होता है, वर्क इज इक्वल्स टू डेज इनटू में एफिशिएंसी। काम जो है वो बराबर है दिन गुणा में क्षमता के। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे आप क्या निकाल सकते हो, भी वर्क भी निकाल सकते हो, डेज भी निकाल सकते हो, और जो चीज हमें रिक्वायर्ड रहती है एफिशिएंसी वो भी आप लोग निकाल सकते हो। तो वापस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो यहां क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया था, भाई ए जो है वो किसी काम को कर देता है 15 दिन में, बी उसी काम को कर देता है 20 दिन में। तो 15 और 20 का एलसीएम कितना आ गया, भाई एलसीएम आ गया 60। तो 15 चौके 60 और 20 दिया 60। तो ये था हमारे पास वर्क और ये थी हमारे पास कार्य करने की क्षमता यानी कि एफिशिएंसी। अब ये लोग क्या कहते हैं, ये दोनों मिलकर कार्य करते हैं। अगर मिलकर कार्य करें तो यानी ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो दोनों मिलकर काम करेंगे तो ए की एफिशिएंसी 4 और बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 3 हो गई। तो टोटल एफिशिएंसी कितनी हो चुकी है, 7। अब ये लोग 4 दिन काम करते हैं तो 7 की एफिशिएंसी से अगर 4 दिन कार्य करते हैं तो टोटल वर्क कितना कर दिया, भी इन्होंने 28 काम कर दिया। ये 28 काम इन्होंने कर दिया, लेकिन किया कितने वर्क में से। तो अगर हम यहां देखें तो हमारे पास टोटल वर्क कितना था, टोटल वर्क की अगर हम बात करें तो हमारे पास था भी 60। और वर्क डन, कार्य किया कितना, वर्क डन जो है वो किया कितना, 28। हमें चाहिए था रिमेनिंग वर्क, तो रिमेनिंग वर्क कितना आ गया, तो रिमेनिंग वर्क यानी बचा हुआ काम, तो वो कैसे आएगा, 60 माइनस का 28 यानी कितना आ गया, 32। 32 काम बच गया। लेकिन अब देखो उसने पूछा अब काम कितने हिस्से बचा हुआ, हिस्सा यानी फ्रैक्शन। तो देखो 32 काम बच गया कितने में से, मैं कहता हूं 60 में से, तो काट लेते हैं भाई, 4 8 और 4 15। तो आंसर कितना है, रिमेनिंग फ्रैक्शन कितना है, 8/15। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे रिमेनिंग फ्रैक्शन। इसको हम लोग क्या लिखेंगे भाई, रिमेनिंग
फ्रैक्शन। तो ये है हमारे पास हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर, यानी 8/15, ये हमारा आ गया आंसर। तो बहुत बारीकी से हम लोग इस टॉपिक को करेंगे और जितना हो सका उतना ही हम लोग यहाँ पे समझाएंगे, ठीक है। लेकिन इतना लंबा स्टेप आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें आपको शॉर्ट में रखनी पड़ेंगी, ठीक है। वहां पे आपको ये टोटल वर्क जो है, जो हमने यहाँ देखो हर एक चीज मेंशन की है, टोटल वर्क हो गया, वर्क डन हो गया, रिमेनिंग वर्क हो गया, ये यहाँ पे आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हीं चीजों को आप क्या कर सकते हो, काट सकते हो, ठीक है भाई। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए, यानी 8/15। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए कैन कल्टीवेट 2/5 ऑफ द लैंड इन 6 days एंड बी कैन कल्टीवेट 1/3 ऑफ द सेम लैंड इन 10 days। वर्किंग टूगेदर ए एंड बी कैन कल्टीवेट 4/5 ऑफ द लैंड। इस बात के ऊपर हमें ध्यान देना है भाई, हमें टोटल काम नहीं करवाना, हमें कितना काम करवाना है, जो भी काम आएगा उसका क्या करवाना है, 4/5 करवाना है। तो देखो भाई, बहुत सिंपल सा स्टेप है, एक पॉइंट आपको नोट करना है, एक पॉइंट हमें क्या करना है, नोट करना है। अब नोट करने वाला पॉइंट क्या है, एलसीएम जो आप लोगे, एलसीएम यानी कि लघुत्तम जो लिया जाएगा वो हमेशा कंप्लीट वर्क का लिया जाएगा, वो हमेशा कंप्लीट वर्क का यानी कि संपूर्ण काम का लिया जाएगा, या फिर सेम वर्क का, क्या लिया जाएगा, सेम वर्क का यानी समान काम का लिया जाएगा। ये बात हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अब यहां देखो, ए ने तो जो काम किया वो था 2/5 काम, बी ने जो काम किया वो था 1/3 काम, यानी वर्क तो सेम नहीं है। तो हमें सबसे पहली चीज क्या करनी पड़ेगी, हमें सबसे पहला काम क्या करना है, हमें वर्क क्या बना देना है, सेम बना देना है। अब देखो, ए ने तो 2/5 काम किया, 2/5 काम किया, कितने दिन में, आप कहते हो भी 6 days में, मैं कहता हूं पूरा काम, पूरा काम अगर फ्रैक्शन में लिखे तो कितना होता है, एक काम होता है, तो एक काम 6 × 5/2, तो 2 3 और 5 3 कितना हो गया, 15 days। तो मैं कह सकता हूं ए किसी काम को, ए जो है वो कंप्लीट वर्क कितने दिन में कर देगा, ए जो है वो कंप्लीट वर्क कर देगा 15 days में। सेम पैटर्न किसका होगा, सेम पैटर्न होगा बी का, बी 1/3 काम करता है कितने दिन में भाई, 10 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, आप कह दोगे भी 30 days में कर देगा, कितने दिन में कर देगा, 30 days में। तो ये 30 days में कर देता है, तो बी कर देगा कंप्लीट वर्क कितने में, बी कंप्लीट कर देगा कितने में, 30 में। अब ये क्वेश्चन वही आ गया, ए किसी कार्य को 15 दिन में कर देता है, बी किसी कार्य को 30 दिन में कर देता है, तो बताओ दोनों मिलकर यानी ए और बी अगर मिलकर काम करें तो कितना काम, कंप्लीट वर्क नहीं करवाना, 4/5 काम चाहिए, कितना काम करवाना है, 4/5। देखो वही पैटर्न होगा, पूरा का पूरा एक्सप्लेन मैंने कर दिया है, बस अब आपको क्या करना है, सॉल्यूशन देना है। तो वो सॉल्यूशन मैं यहां लिख देता हूं, सॉल्यूशन क्या है, ए करता है 15 दिन में, बी करता है 30 दिन में, एलसीएम आ गया 30, ए की एफिशिएंसी हो गई 2, बी की एफिशिएंसी हो गई 1। तो अब देखो, अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो एफिशिएंसी ए और बी दोनों की जुड़ेगी, ए और बी दोनों की जुड़ेगी, तो कितनी हो गई, 2 + 1 = 3 के। तो अब देखो, वर्क कितना करवाना था, वर्क हमें करवाना था 4/5, वर्क हमें करवाना था 4/5, तो वर्क 30 का 4/5 कितना होता है, आप कह दोगे भाई हमें काम करवाना है 24, हमें काम कितना करवाना था, 24 काम करवाना था, करवा लेते हैं भाई, 24/3 जो मिलकर काम कर रहे हैं,
24 बटे 3 यानी कितना आ गया, 8 डेज यानी 8 दिन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 8 डेज। ठीक है, तो वो नोट जो था, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई आपका, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, और ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन है। अगर ये क्वेश्चन आप समझ गए तो पूरे के पूरे जो पैटर्न आते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस के, वो पूरा आप समझ जाओगे। ठीक है भाई, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आई होप सबको समझ आ रहा होगा, अगर किसी को कोई डाउट है तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए बी एंड सी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 24, 6 एंड 12 डेज रिस्पेक्टिवली, वर्किंग टूगेदर दे विल कंप्लीट द सेम वर्क इन, तीनों अगर मिलकर कार्य करें, तीनों अगर मिलकर कार्य करें। तो देखो भाई, ए करता है 24 में, बी करता है 6 में और सी करता है 12 में। पहला स्टेप हमें पता है, एलसीएम लेना पड़ेगा। ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1, बी की कितनी आ गई, 4, सी की कितनी आ गई, 2। बहुत सिंपल सा है। अब ये लोग क्या करते हैं, वर्किंग टुगेदर, वर्किंग टुगेदर यानी सभी मिलकर काम करेंगे, तो सभी मिलकर काम करेंगे तो एफिशिएंसी को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, 4, 2, 6 और 1, 7, टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई तीनों की, 7 आ गई। उसी काम को यानी कंप्लीट वर्क, तो वर्क कितना है हमारे पास, वर्क है हमारे पास 24, एफिशिएंसी है 7, तो इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते, 3 सही 3 बटे 7 दिन। तो ये हमारा क्या है भाई, आंसर है। तो ये एक छोटा सा मेथड है। ठीक है, तो इसी चीजों में हमें यहां पे स्टेप कटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, बी एंड सी इन 15 डेज, C and A in 20 days. If ABC work together. अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई बहुत। इसमें जो और क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। देखो ये कहता है A और B ये दोनों मिलकर कार्य करते हैं 12 डेज में। ठीक है, B और C ये दोनों मिलकर करते हैं 15 डेज में, C और A ये दोनों मिलकर करते हैं 20 डेज में। सबसे पहला स्टेप एलसीएम कितना आ गया अभी, 60 आ गया। इसके बाद एफिशिएंसी, 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 20 दिया 60। ये स्टेप आपको हमेशा करने थे। ठीक है, अब बात के ऊपर ध्यान देनी है, यहां पे हमें काम किससे करवाना है, यहां हमें काम करवाना है A प्लस बी प्लस सी से। तो यानी हमारे पास क्या होनी चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी होनी चाहिए। और एफिशिएंसी कैसे मिलती है, सबको प्लस कर कर। लेकिन एक बात अगर हम यहां देखें तो लास्ट क्वेश्चन जितने भी किए थे वहां पे क्या था, हमारे पास यहां पे सिंगल यूनिट थी, लेकिन इस बार डबल डबल है, ए प्लस बी है, बी प्लस सी है और सी प्लस ए है। तो ध्यान से भाई, अब हमें चाहिए ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी, तो ये भी प्लस कर देते हैं और ये भी क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो यहां से मुझे क्या मिला, 2A 2B और 2C, और यहां कितना मिल गया, यहां हमें मिल चुका है 5, 4, 9, 3, 12। 2 कॉमन ले लेते हैं, तो A प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 12/2 यानी कितनी आ गई, 6। तो A प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी हमारे पास आ चुकी है, A प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 6। वर्क कितना है, वर्क है भाई 60। तो कितने दिन लग जाएंगे भाई, अगर A प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कार्य करें तो कितने दिन लगेंगे, 10 डेज। ये हमारे पास था पहला आंसर। नेक्स्ट क्या पूछा जा सकता है, नेक्स्ट पूछा जा सकता है A alone, A अकेला कितने दिन में काम करेगा, A alone। तो देखो भाई, A प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी है कितनी, 6। तो A alone यानी A प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी में से
बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है वो क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी की कितनी आ गई, 6। बी प्लस सी की एफिशिएंसी देखनी है, एफिशिएंसी कितनी है, 4, तो 6 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2। तो ये क्या आ गई, ये आ गई ए की एफिशिएंसी, ये आ गई हमारे पास ए की क्षमता। तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा 60/2 यानी 30 डेज में। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, थर्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है बी एलोन। तो बी एलोन का कैसे होगा, ए प्लस बी प्लस का सी में से ए प्लस सी की क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी की है 6, ए प्लस सी की कितनी है, यहां पे गिवन है सी प्लस ए या ए प्लस सी की एफिशिएंसी 3, तो 6 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3। ये आ गई बी की एफिशिएंसी, ये क्या है, ये है बी की क्षमता, ये है बी की क्षमता। काम कितने दिन में खत्म कर देगा बी, काम खत्म कर दिया जाएगा 60 काम खत्म कर दिया जाएगा 1 सेकेंड, ये सारा हट गया, दोबारा से देखते हैं भी, ये पूरा का पूरा यहां पे देखो भी, ये काम खत्म हो जाएगा कितने दिन में, 60, और यहां पे एफिशिएंसी आ गई बी की कितनी, 3, तो कितने दिन में, आप कहते हो भी 20 डेज में खत्म हो जाएगा, ये आ गया बी अगर अकेला काम करें तो। इसी सीरीज में आपसे क्या पूछा जा सकता है, फोर्थ क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई, अगर सी अकेला काम करे तो, सी एलोन वर्क करे तो, सी एलोन, तो सेम पैटर्न है, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 6, माइनस किसकी कर देते हैं, ए प्लस बी की, तो ए प्लस बी की कितनी है भाई, 5 है, 6 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 1, तो ये किसकी एफिशिएंसी आ गई, ये आ गई भाई सी की। काम कितने दिन में खत्म कर देगा, काम कितना था हमारे पास, काम था 60, एफिशिएंसी है 1, तो कितने दिन लगेंगे, तो ये हमें लगेंगे भाई 60 डेज, क्या लगेगा, ये हमें लगेंगे 60 डेज। तो ये था आपके पास फोर्थ आंसर, ठीक है, ये था हमारे पास आंसर नंबर 3, ये था हमारे पास आंसर नंबर 2, और ये था हमारे पास आंसर नंबर 1। क्वेश्चन हमें सिर्फ ये पूछा गया था, तो ये पूरा का पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि भी किस हिसाब से आपसे क्वेश्चन आगे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहां पे खास बात हमें ध्यान देनी है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, फिर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कहता है, ए मैन ए वुमेन एंड ए बॉय कैन कंप्लीट ए जॉब इन 3, 4 एंड 12 डेज, हाउ मेनी बॉयज मस्ट असिस्ट वन मैन एंड वन वुमेन टू कंप्लीट द जॉब इन 1/4 ऑफ ए डे, एक पुरुष एक महिला तथा एक बच्चा किसी काम को क्रमशः 3, 4, 12 दिन में कर सकते हैं, काम को 1/4 दिनों में खत्म करना है, 1/4 दिनों में क्या करना है भाई, इस कार्य को खत्म करना है। तो एक पुरुष, तो एक पुरुष कार्य खत्म करने के साथ एक पुरुष तथा एक महिला के साथ कितने लड़के अनिवार्य रूप से लगाए जाएं। देखो फिर से, सबसे पहला स्टेप क्या है, ए करता है 3 दिन में, बी करता है 4 दिन में, सी करता है 12, तो ए क्या है, ए को मैंने डिनोट कर दिया मैन, बी को मैंने डिनोट करवा दिया वुमेन, और सी को मैंने डिनोट करवा दिया चाइल्ड कह लो, या हम क्या कह सकते हैं, बॉय कह सकते हैं,
एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 12। ए की एफिशिएंसी 4, बी की एफिशिएंसी 3, वाई की एफिशिएंसी 1। ठीक है, तो अब देखो, काम खत्म होना चाहिए, वर्क कंप्लीट होना चाहिए 1/4 डेज में कंप्लीट। तो यहां पे खास बात ध्यान क्या है, अब देखो वर्क कैसे कंप्लीट होता है, वर्क क्या होगा, आप क्या लिखते हो, वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, और यहां क्या आता है, डेज लिखा आता है ना, यही होता है भाई फॉर्मूला, मैंने लास्ट में लिखवा दिया। फॉर्मूला क्या था, वर्क इज इक्वल्स टू डेज इनटू में एफिशिएंसी। तो डेज अगर निकालने हैं तो वर्क अपॉन में एफिशिएंसी चाहिएगी, तो डेज हमें गिवन है 1/4। सीधा फॉर्मूले में अगर हम पुट कर दें तो ये हो गया 1/4 इज इक्वल्स टू वर्क कितना है, वर्क है भाई 12। तो यहां क्या चाहिए, एक पुरुष, एक पुरुष की एफिशिएंसी कितनी है 4, प्लस में एक महिला की एफिशिएंसी कितनी है 3, 4 + 3। बॉय कितने चाहिए, वो पूछता है कितने लड़के अनिवार्य रूप से लगाए जाएं, तो बॉय की एफिशिएंसी 1 है, तो मैंने कह दिया भाई एक्स बॉय चाहिए, तो 12, और ये कितना हो गया भाई 1/4 इज इक्वल्स टू 12 अपॉन में 7 प्लस का एक्स, यही होगा भाई। तो यहां पे अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 7 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 48, एक्स इज इक्वल्स टू 48 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 41। तो ये 41 हमारा क्या है भाई, आंसर है। तो एक आदमी और एक महिला के साथ कितने लड़के हमें चाहिए काम पर, 41। अब इसको अगर स्टेप कटिंग से देखें तो इतना सब करने की जरूरत हमें नहीं थी। तो देखो एक बात बताओ, आपको डेज जो चाहिए वो आपको चाहिए 1/4, डेज जो चाहिए वो चाहिए 1/4। तो ये हमारे पास क्या है, वर्क होगा, तो ये हमारे पास क्या होगी, एफिशिएंसी होगी। ठीक है, तो देखो अगर वर्क 1 है तो एफिशिएंसी कितनी है 4, हमारे पास वर्क कितना है 12, वर्क हमारे पास कितना है 12, तो हमारे पास एफिशिएंसी कितनी होनी चाहिए थी, 48 होनी चाहिए थी ना, क्यों, इसका कितना है 4 टाइम्स है। अब इस 48 में से क्या क्या है, एक तो मैन है, मैन की एफिशिएंसी 4 आ गई, एक वुमेन है, वुमेन की एफिशिएंसी 3 आ गई, तो चाइल्ड कितने रह गए, 41 बॉय ही तो बच गए। तो ये हमारा क्या हो सकता था, डायरेक्ट आंसर हो सकता था, यानी इतना लंबा हमें प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, बी एंड सी इन 15 डेज, सी एंड ए इन 20 डेज, सी अलोन, सी अलोन। तो देखो ये वही क्वेश्चन आ गया, देख लेते हैं, अभी हमने किया है पूरा का पूरा, डिटेल में हमने समझा था। लास्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये देखो यहां पे ए प्लस बी प्लस सी का था, और इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ लिया गया, सी अलोन कैन डू इट इन, सी अलोन कैन डू इट इन हाउ मेनी डेज। देखो ए प्लस बी कितना आया 10, बी प्लस सी कितना आया 15, सी प्लस ए कितना आया 20, एलसीएम आ गया कितना भी 60, ये हो गया 6, 4, 3। अब ये जो एफिशिएंसी आई है ये 2a प्लस 2b प्लस 2c की आई ना, 13। हमारे पास किसकी है, a प्लस बी प्लस सी की, हम लोग निकाल सकते हैं कितनी 13/2, ये a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई। तो अब देखो हमें सिर्फ काम करवाना है किससे, c alone से। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सी एलोन की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं भाई। तो ए प्लस बी प्लस सी में से ए प्लस बी की क्या कर दें, माइनस कर दें, तो ये कितनी है 13/2,
ए प्लस बी की कितनी है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी पे ध्यान देना है, ये 10 डेज है, एफिशिएंसी कितनी है, एफिशिएंसी है भाई 6, तो सी की कितनी आ गई 1/2। ये है सी एलोन की हिंदी में लिखें तो क्या है भाई, क्षमता। ठीक है, अब सी से काम करवा लेते हैं, सी के डेज जो हैं, काम कितना था 60/1/2, तो ये पलट कर क्या हो जाएगा 120 डेज, तो ये हमारे पास क्या हो गया भाई, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया टाइप के क्वेश्चंस हैं। आगे चलते हैं, ए कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज, ए कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज, बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 डेज इफ दे वर्क टुगेदर एंड कंप्लीट इट। तो देखो भाई, ए 6 है, बी 12 है, एलसीएम आ गया 12, ए करेगा 2 के काम से, बी करेगा 1 के काम से, दोनों मिलकर करेंगे, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई 2+1=3, ये क्षमता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थी, ये हमारे पास ए और बी की एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, काम करवा लेते हैं भाई, काम कितना है 12, 12 अपॉन में 3। क्वेश्चन कुछ और है, इफ दे वर्क टुगेदर एंड कंप्लीट इट द पोर्शन ऑफ वर्क डन बाय ए इज, ए ने कितना काम किया देखो, तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, आप कहते हो भी 4 डेज में वर्क कंप्लीट हो गया, 4 डेज में वर्क कंप्लीट हो गया, और ये 4 डेज में किया किसने, ए प्लस बी दोनों ने मिलकर किया, लेकिन क्वेश्चन कुछ और पूछा गया, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ए के पोर्शन, ए का पोर्शन कितना है, तो एक बात बताओ, 4 दिन काम किया, 2 की क्षमता से ये कितना काम करेगा, 8 काम करेगा भी, कितने में से 12 में से, तो ए का पोर्शन कितना है, 2/3 पोर्शन जो काम किया है वो किसने किया है, ए ने, और बी का पोर्शन पूछे तो, बी का पोर्शन अगर आपसे पूछे तो बी का पोर्शन कितना होगा 1/3, तो ये हमारा क्या है, ए का पूछा गया तो ये हमारा क्या हो चुका है भाई, आंसर हो चुका है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, ए अलोन कैन डू इट इन 30 डेज द टाइम इन विच बी अलोन कैन डू इट। तो देखो भाई, ए प्लस बी किसी कार्य को करते हैं 10 दिन में, ए अकेला कितने दिन में कर देता है, ए अकेला कर देता है 30 दिन में, एलसीएम कितना आ गया 30, ए और बी की इकट्ठी क्षमता 3 है, ए अकेले की कितनी है 1, अब ये काम जो है ये किससे करवाना है, ये हमें करवाना है बी एलोन से, बी अकेला, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, बी की एफिशिएंसी चाहिए भी, यानी बी की क्षमता चाहिए, तो 3 में से 1 गया, ए प्लस बी की 3 है, ए की 1 है, तो बी की कितनी हो जाएगी 3-1=2, तो बी की क्षमता कितनी आ गई 2 आ गई, काम करवा लेते हैं, काम है 30, 2 की क्षमता से तो कितने दिन लगेंगे भाई 15 डेज लगेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो गया भाई, आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई होप सबको समझ आ रहा होगा, ए मैन एंड ए बॉय रिसीव्ड 800 रुपए, एक पुरुष तथा एक लड़के को 5 दिनों तक साथ काम करने के लिए 800 रुपए मिलते हैं, पुरुष की कार्य क्षमता लड़के की कार्य क्षमता की दुगुनी है, मैन्स एफिशिएंसी इज ट्वाइस ऑफ द बॉय। तो देखो मैं कहता हूं, मैन प्लस बॉय दोनों को 800 रुपए मिलते हैं, कितने दिन के, 5 दिन के, तो मैं कह सकता हूं 160 रुपए पर डे मिले किसको, मैन प्लस में बॉय, मैन्स एफिशिएंसी इज ट्वाइस ऑफ द बॉय,
मैन और बॉय की जो एफिशिएंसी है ये कैसे रेशो में है, 2:1, ठीक है। तो टोटल तीन एफिशिएंसी के कितने पैसे मिलते हैं भाई, 160 रुपए। एक एफिशिएंसी के कितने हो गए, 160/3, तो ये हो गया 53 सही 1/3। तो आपसे पूछा गया लड़का प्रतिदिन कितने रुपए कमाता है, प्रतिदिन, प्रतिदिन हमने पहले ही निकाल रखा है 160 रुपए पर डे। तो बॉय की एफिशिएंसी ही कितनी है, एक है, तो एक रेशो हमने निकाल दी बॉय बॉय की जो डेली वेजेस है, बॉय की जो डेली वेजेस होगी वो होगी 53/3। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया भाई, ठीक है, 53/3। अगर मैन की पूछता तो 53/3 का हम लोग क्या कर देते, 2 टाइम्स कर देते, तो ये कितना आता, 106/3, 106/3, और ये हमारा क्या हो जाता अगर मैन की डेली वेजेस पूछता तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैन डू हाफ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज। ए जो है, ए जो है वो आधा काम कितने दिन में भाई, 5 दिन में। बी जो है वो 3/5 वर्क कितने दिन में, 9 डेज में। सी जो है वो 2/3 वर्क कितने दिन में, 8 डेज में। तो मैंने पहले ही सिखाया एलसीएम अगर लोगे तो कंप्लीट वर्क का या सेम वर्क का, तो ए कितने दिन में कार्य खत्म कर देगा, आधा काम 5 दिन में तो पूरा काम 10 दिन में। बी 3/5 काम 9 दिन में, तो पूरा काम यानी 5 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, 3 3 9 और 5 3 15, और इसी तरीके से सी, सी कितने दिन में आ जाएगा, 12 दिन में। एलसीएम आ गया 60, ए 6 4 5। इन हाउ मैनी डेज कैन 3 ऑफ देम टुगेदर डू द वर्क, तीनों मिलकर करेंगे, तीनों मिलकर करेंगे तो 6 4 10 और 5, क्षमता कितनी हो गई, टोटल हो गई 15। काम था 60, 60/15, आंसर कितना है, 4 डेज। अगर तीनों मिलकर करेंगे तो कितने दिन लगेंगे भाई, 4 दिन लगेंगे। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो चुका है, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डज 4/5 ऑफ ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ए जो है, ए 4/5 काम करता है कितने दिन में, 20 दिन में। तो ए पूरा काम कितने दिन में कर देगा, 25 दिन में कर देगा भाई, ठीक है। फिर बी को काम पर बुलाता है, तो जब 4/5 काम कर दिया तो ए और बी ने कितना किया होगा, 1/5 काम किया होगा। विशेष काम 3 दिन में खत्म कर देते हैं, ए और बी 1/5 काम 3 दिन में, तो ए और बी इकट्ठे पूरा काम कितने दिन में समाप्त कर देंगे, ए और बी इकट्ठा पूरा काम कितने दिन में समाप्त कर देंगे भाई, 15 डेज में। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता था, ठीक है, लेकिन उसने पूछा बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो ये क्वेश्चन सेम है। ए करता है 25 दिन में, ए प्लस बी करते हैं 15 दिन में, यहां पे एलसीएम कितना आ चुका है भाई, 75, ए की क्षमता 3, ए और बी की 5। बी की हमें क्या चाहिए, बी की हमें चाहिए एफिशिएंसी, कैसे मिलेगी, 5 माइनस का 3 यानी के 2, ये एफिशिएंसी आ गई किसकी, बी की। तो डेज निकाल देते हैं भाई, 75/2, तो कितने दिन लगेंगे, 37.5 दिन। बी एलोन के डेज कितने दिन लगेंगे, 37.5 दिन लगेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया,
आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ऊपर चलते हैं। 8 डज 7 बाय 10 पार्ट ऑफ वर्क इन 15 डेज। ए जो है 7/10 काम को कितने दिन में, 15 डेज में, तो टोटल काम कितने दिन में आ जाएगा, 150/7, ये ए कर देगा भाई। After that he completes the remaining work in 4 days. After that he completes the remaining work in 4 days with the help of B. B भी आ गया, तो यानी बचा हुआ काम कितना है, 3/10। कितने दिन लगे थे, ये कहता है 4 दिन, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, 40/3। ये कौन करता है, A प्लस B मिलकर करते हैं। तो अब ये पूछता है इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर डू द सेम वर्क, ए एंड बी टुगेदर। तो ये देखो, ये हमारा आंसर ही है, तो 40/3 यानी 13 1/3 डेज में ए और बी क्या कर देंगे, कंप्लीट वर्क कर देंगे। तो ये यहां वो आपके दिमाग से खेल जाता, और यही पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए एंड बी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज एंड 10 डेज रिस्पेक्टिवली, दे कॉन्ट्रैक्टेड टू कंप्लीट द वर्क इन 30,000। द शेयर ऑफ ए इन कॉन्ट्रैक्टेड मनी विल बी, देखो ए करता है 15 दिन में, बी करता है 10 दिन में, एलसीएम 30, यहां पे एफिशिएंसी 2, यहां पे एफिशिएंसी 3। अब सीधी सी बात है, जिसकी जितनी ज्यादा एफिशिएंसी होगी, एफिशिएंसी ग्रेटर, तो पे भी क्या मिलेगी, ग्रेटर मिलेगी। क्यों, क्योंकि एफिशिएंसी से वो क्या करेगा, वर्क भी तो ज्यादा करेगा, तो अगर ज्यादा वर्क करेगा तो पे भी ज्यादा मिलेगी। तो यहां पे दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 5 की क्षमता से कितना पैसा ये लोग लेते हैं, ये लेते हैं 30,000। एक का कितना आ गया, 6,000, एक की एफिशिएंसी आ गई कितनी, 6,000। शेयर ऑफ ए का हिस्सा कितना है, 2 की एफिशिएंसी है, तो ए का जो शेयर है वो कितना हो गया, 6 × 2 = 12,000। और अगर आपसे पूछे बी का शेयर, तो बी का शेयर कितना हो गया, यहां पे देखो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3, तो 6 × 3 = 18,000। तो ये दोनों आंसर आ चुके, आपसे ए का पूछा गया था, तो ए का कितना है भाई, 12,000। ठीक है, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए एंड बी अंडरटुक टू डू ए पीस ऑफ वर्क इन 4500। ए अलोन को डू इट इन 8 डेज, बी अलोन इन 12 डेज विद द असिस्टेंस ऑफ सी, दे फिनिश द वर्क इन 4 डेज। अगर ए अकेला काम करता तो कितने दिन में, 8 दिन में, बी अगर अकेला काम करता तो 12 दिन में, इन्होंने सी के साथ मिलकर कार्य किया भी कितने दिन में, 4 दिन में, एलसीएम 24, ए की 3, बी की 2, ए प्लस बी प्लस सी की कितनी, 3। तो मैंने पहले ही बताया, वेजिस जो है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, एफिशिएंसी के ऊपर। ठीक है, जितनी ज्यादा एफिशिएंसी उतना ही ज्यादा क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी 2 है, तीनों की मिलाकर 6 है, तो देयरफॉर सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1 आ गई। सारा पैसा कितना मिलेगा, 4500 ही मिलेगा, चाहे कितने भी लोग कार्य करें। तो ए प्लस बी प्लस सी इनको कितना पैसा मिलता है, आप कहते हो भी 4500, 4500 कितनी क्षमता का, 3 × 5 = 6,
छह का पैसा कितना है? 4500। एक का कितना आ गया? 4500/6। तो काट लेते हैं भाई, ये कितने पे कटेगा? 7 6 42, 6 5 30, तो कितना आ गया? 750। अब आपसे क्या पूछा गया? देन सी शेयर ऑफ मनी इज, सी को कितना पैसा मिलेगा? सी की एफिशिएंसी ही एक है, तो सी को कितना मिलेगा? 750। अगर बी का पूछे तो बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2 है, तो बी को कितना मिलेगा भाई? 1500 मिलेगा। ठीक है, ए का पूछे तो ए की एफिशिएंसी 3 है, तो ए को कितना मिलेगा? या तो एक काम करते हैं, 4500 में से इन दोनों को जोड़ के माइनस कर देते हैं, नहीं तो सीधा सा है, 15 और 7 22, 22 और 45। ठीक है भाई, तो ये कितना हो गया? 4500 माइनस का 2250। ठीक है, इसको हम घटा देते हैं भाई, 0 5 2 2। ठीक है, ए को कितना मिल जाएगा? 2250। ठीक है, सीधा भी कर सकते थे, एक की वैल्यू जब 750 के बराबर है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2250 यहां पे भी आ जाता। अगर बी का पूछता तो 750 की कितने गुना कर देते? 2 टाइम्स कर देते, तो ये भी हो सकता। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ए अलोन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट इट इन 8 डेज, हाउ लॉन्ग विल बी अलोन? बी अकेला कितने दिन में? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार किया है अभी भी हमने। ए 12 में, ए और बी 8 में, 24 2 3। बी से काम करवाना है तो बी की एफिशिएंसी 3 - 2 = 1, तो काम था 24, क्षमता थी 1, कितने दिन लगेंगे? 24 दिन लगेंगे। ये 24 क्या है? हमारा आंसर है, कहां पे है? पहला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कंप्लीट 1/3 ऑफ ए वर्क इन 5 डेज, तो ए कितने दिन में करेगा? 5 दिया 15 दिन में। बी 2/5 ऑफ वर्क इन 10 डेज, 2/5 काम कितने दिन में? 10 दिन में, तो बी पूरा काम कितने दिन में कर देगा? 25 दिन में। इन हाउ मेनी डेज बोथ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क? तो देखते हैं भाई, 75, 5 3, दोनों मिलकर करेंगे तो एफिशिएंसी 8 हो जाएगी, 9 8 72, 9 सही 3/8, तो ये हमारा क्या हो गया भाई? ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला क्वेश्चन। ए अलोन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज, बी अलोन इन 8 डेज, ए एंड बी अंडरटुक टू डू इट फॉर 3200। ए और बी ने कोई काम लिया था करने के लिए, तो कितने पैसे में? 3200 रुपए मिलते हैं भाई। ठीक है, ए कर देता है 6 दिन में, बी कर देता है 8 दिन में, लेकिन इन्होंने अपने साथ किसको ले लिया? सी को। अगर ये लेकर काम करें तो कितने दिन में? 3 दिन में। वही सेम क्वेश्चन है, एलसीएम कितना आ गया? 24, ए की 4, बी की 3, और तीनों की मिलाकर कितनी? 8। तो 8 की क्षमता से 3200 रुपए मिलते हैं, 1 की क्षमता से कितने मिलेंगे? 400। 1 बराबर आ गया 400 के, तो किसका पूछा गया? हाउ मच इज टू बी पेड टू सी, सी को कितना मिलेगा? तो सी के पास कितना हिस्सा है? 7 हिस्सा तो ए और बी लेकर बैठे हैं, तो सी के पास कितना आ गया? सी के पास आ गया 1, तो 1 बराबर किसके है? 400। तो सी को कितना मिलेगा भाई? 400। बी का पूछे तो बी को मिलेंगे 1200, ए का पूछे तो ए को मिलेंगे भाई 1600। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों आपके आंसर पूछे जा सकते हैं। फिलहाल हमसे सी का पूछा गया था, तो सी के पास कितना है? 400। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज, मैन एक व्यक्ति किसी कार्य को कर सकता है 5 दिन में, बट विद द हेल्प ऑफ हिज सन, बेटे के साथ, मैन प्लस का सन कितने दिन में? 3 दिन में। बेटा अकेला कितने दिन में? तो फिर वही क्वेश्चन, 15 3 5। बेटे के साथ मिलकर क्षमता कितनी है भाई? 5 है, तो बेटे की क्षमता कितनी आ गई? 5 - 3 यानी के 2 आ गई,
तो 5 माइनस 3 2। अब बेटे से काम करवाना है, काम कितना है 15, बेटा कितना करता है 2 करता है, कितने दिन लगेंगे 7.5 दिन लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये कुछ एक क्वेश्चंस थे आप लोगों के पास टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क के। तो आज हमारी टाइम एंड वर्क की क्या थी, क्लास नंबर 1 थी। तो क्लास फर्स्ट में जितने क्वेश्चंस हमने किए उनकी क्या करनी है, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, क्या करनी है प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई डाउट हो, अगर कोई डाउट आए तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर कमेंट सेक्शन में आप लोग नहीं करना चाहते तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर अपने डाउट की पिक भेजी जा सकती है, या अगर टेक्स्ट फॉर्मेट में आपके पास है तो आप टेक्स्ट फॉर्मेट भी कर सकते हो। हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो है क्वांटिट्यूड के नाम से, हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो है हमारा क्वांटिट्यूड के नाम से, ठीक है। तो यहां पे भी आप अपने डाउट्स शेयर कर सकते हो। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इस सीरीज से आप लोग कितना बेनिफिट फॉलो कर सकते हैं या बेनिफिट ले सकते हैं वो चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। डेली आप लोगों को इसकी वीडियो मिलेगी, और जितने भी क्वेश्चंस हैं एसएससी के प्रीवियस ईयर्स के, ठीक है, तो वो सारे के सारे आपके कवर किए जाएंगे, और ए टू जेड क्वेश्चन आपको यहां पे सॉल्व करवा के दिखाया जाएगा विद बेसिक एंड विद एग्जाम अप्रोच, विद बेसिक एंड विद एग्जाम अप्रोच। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, डेली की वीडियोस देखिए और एक अच्छी जॉब की तैयारी कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू भाई।